ऑफिस में बॉस ने झूठ बोल के अर्ताऊ ने कुछ बांधने लगा के मैं गई थी अपनी खुफिया जगह पर खुफिया देखने के लिए। यस, खुफिया मूवी आई है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। अब इस खुफिया में कुछ खुफिया है भी या नहीं, बताऊंगी आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाट गर्ल। देखो यार, नेटफ्लिक्स ने थोड़े ही दिन पहले जाने जा करीना कपूर वाली मूवी रिलीज की थी, जो कि एक थ्रिलर मूवी थी, और अब रिलीज की है खुफिया मूवी, जो कि एक स्पाई थ्रिलर मूवी है। अब इसमें क्या कुछ खास है क्या नहीं वो सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है। एक नॉवल है एस्केप टू नाउहेयर, जो कि अमर भूषण ने लिखा है, उसी से इंस्पायर्ड ये मूवी है, या यूं कह लीजिए कि उसी की पूरी कहानी है। तो क्या कुछ अच्छा था, क्या कुछ बुरा था और कहां पर कमी पेशी रह गई, सुहानी थामने सब बताओगी, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। तो भाई साहब, सबसे पहले बात करेंगे स्टार कास्ट के बारे में। तब उसमें एक अहम रोल प्ले करती है एक क्रोएशियन बनी है। क्रोएशियन बनने के बाद वो अपनी फैमिली फंक्शन में कभी टाइम से नहीं पहुंच पाती है। मॉनसून टाइम से आ सकता है, नहीं आ सकता, तो तब्बू और स्पाई एजेंट कभी अपने फैमिली फंक्शंस में टाइम से नहीं पहुंच सकते। तो ये एक चीज यहाँ पर थी जो मैंने आपको बता दी है। अली वजल इस मूवी में डबल एजेंट का रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो मोल है, गद्दार है। तो क्यों बने वो गद्दार, ये डायरेक्टर साहब बताना भूल गए हैं। और अली वजल की वाइफ बनी है वामिका। सीरियसली यार, उन्होंने बहुत ही बड़ी एक्टिंग की है इस मूवी में। और अली वजल की अम्मा है नयनतारा, मतलब उनके बारे में क्या ही कहूं, आगे बताऊंगी कैसा रोल है उनका। बाकी आशीष विद्यार्थी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और भी दो चार छोटे मोटे स्टार कास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में। तो ऐसा फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसे है कि वही एक रोएजेंट है, उनमें से कोई एक गद्दार निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर विशाल भारद्वाज, फिर से रिपीट करी, बताना भूल गए कि क्यों गद्दार बन गया है। माना कि वो इस मूवी में एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है, उसके बावजूद भी ये सारी चीजें बताना भूल गए हैं वो। इसके अलावा अब उनके ट्रैप में वो कैसे फंसते हैं, क्या उसे पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, पूरी कहानी इसी चीज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मूवी में एक दो जगह आपको सेक्सुअल कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, वो तो नेटफ्लिक्स की स्पेशलिटी है, उसके बिना तो OTT पे मूवी रिलीज हो ही नहीं सकती। बाकी एक और चीज यहाँ पर यह कि नेटफ्लिक्स पर मूवी आई है तो आपको इसमें LGBT वाला एंगल भी देखने को मिलेगा। तब वो अपने इस रोल को आगे बढ़ाती है और LGBT एंगल वाले को अच्छे से एग्जीक्यूट करती है। तो भाई साहब, किस तरीके से ऑपरेशन शुरू होता है और किस तरीके से खत्म होता है, ये पूरी कहानी उसी पर बेस्ड है, लेकिन आखिर में एंडिंग से आप थोड़ा सा निराश हो जाओगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डायरेक्शन की। ये मूवी डायरेक्ट की है विशाल भारद्वाज ने, जिन्होंने हमें ओमकारा, इश्क किया और हैदर जैसी मूवीज दी है, जिन्हें देखकर हमारे गूज़बम्स ना आज भी आ जाते हैं। लेकिन इस मूवी में उनका टच मुझे काफी मिसिंग लगा यार। मतलब कल आ गई थी और आपने भी अगर नहीं देखी है तो देखो जाकर, आप भी ऐसा ही बोलोगे मुझे कि इसे विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया और इसकी एंडिंग भी उन्हीं के हिसाब से हुई है। अगर आप इनकी एंडिंग देखते हो, हैदर की एंडिंग देखने के बाद आज तक आप सोचते हो कि यार कितनी जबरदस्त एक्टिंग थी, कितनी जबरदस्त एंडिंग इन्होंने दी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मूवी में कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी मूवी में कोई जरूरत भी नहीं लगी। इसमें एक बाबा है, ये वाले बाबा, इनके दो गाने आते हैं पूरी फिल्म में, 2 से 3 गाने आते हैं, लेकिन उन गानों की कोई जरूरत ही नहीं थी। 10-10 मिनट के ये मतलब टाइम खा रहे हैं पूरी मूवी में, इतने में आप अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के आ सकते हो। इन गानों को सुनने के बाद मुझे अपने कानों से खून निकलता हुआ दिखाई दिया है। स्पाई थ्रिलर मूवीज में कब से गाने होने लग गए यार। एक्टिंग के बारे में बात की जाए, तब्बू और वामिका ने जबरदस्त एक्टिंग की है, लेकिन इसके अलावा जो इसमें अली फजल की अम्मा बनी है नयनतारा जी, उन्होंने जो अपना अलग ही ट्विस्ट दिया है ना यार, मतलब एक 70 साल की बूढ़ी अम्मा किसी का खून कर सकती है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है, उनके लिए ये मूवी आप लोग पक्का देख सकते हो। बाकी इसके अलावा अली फजल ने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। मैं उनसे उम्मीद कर रही थी कि अब इनकी फ्लाइट रनवे से उड़ेगी, अब उड़ेगी, अब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो किया ही नहीं उन्होंने। हो सकता है कि जब इसकी कहानी लिखी जा रही थी तो अली फजल को उस तरीके का रोल दिया ही नहीं गया जिस तरीके का हम इस मूवी को देखने से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अली फजल इस बार कुछ अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। तो अली फजल ने मुझे यहाँ पर थोड़ा सा निराश किया। तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये मूवी लगभग 3 घंटे की है, और 3 घंटे में फर्स्ट हाफ में तो आपको मजा आएगा, लेकिन सेकंड वाले में आप बोलोगे अब कुछ मतलब मजेदार होने वाला है। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी तगड़ा दिया हुआ, अच्छा है, लेकिन वो सीन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक के दम पर आप सीन को या पूरी मूवी की स्टोरी को उतना ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट कर सकते। ये दोनों चीजें यहाँ पे मुझे मिसमैच लगी।
दूसरा, मूवी बनाते वक्त आपको अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई नॉवल है और आप उसकी पूरी की पूरी कहानी कॉपी कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आप ऐसी मूवी दे रहे हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है। तो कुल मिलाकर मूवी जो है उड़ने की तैयारी करती रही कि आप बढ़िया कुछ सस्पेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं होता। कहानी कई जगह पर प्रिडिक्टेबल भी है। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपके पास टाइम है और आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप ये मूवी देख सकते हैं, नहीं तो इस वीकेंड रिलीज हुई है मिशन रानीगंज और थैंक यू फॉर कमिंग भूमि पेडनेकर की शहनाज गिल की, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। अब चलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल फिल्मी जाट गर्ल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।